इन केस ऑफ रैमेटाम रिएक्शन क्लोरोफॉम में बताया दैट इज यूज फॉर प्रिपेरेशन ऑफ सेलिसड वै क्लोरोफॉम रिएक्ट्स विथ फीनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एन एच तो ये एच यहां से निकल जाता है एंड यू गैट अल्डीहाइडिक ग्रुप अटैच एट ऑर्थोपोजिशन सो दिस इज कॉल्ड एस टू हाइड्रोक्सी बेन्जा अल्डीहाइड ऑल्सो कॉल्ड एस सेलिसहाइड प्लस यू गैट अ एन ए सी एल प्लस H2O. Now the mechanism goes like this in case of Riemann diamond reaction is again electrophilic substitution. मतलब chloroform पहले आप react करो NaOH से तो NaOH OH minus देगा वो chloroform का H निकाल लेगा तो form H2O. जब वो H निकाल लेगा तो the lone pair will shift on the carbon atom. These two pairs are connected to the hydrogen atom. तो मतलब मैं यहाँ पर ऐसा दिखा सकता हूँ आपको bonding में कि ये H C Cl3 था. Since CCl3 is more electronegative, it will pull this electron pair in the presence of base. टू फॉर्म एच टू ओ प्लस सी लोन पेयर इधर आ गया सी एल थ्री तो सी सी एल थ्री माइनस अंडर गोड एसोसिएशन पेयर वन ऑफ द क्लोरिन विल टेक अवे द एंटायर इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म क्लोराइड एंड वट इज रिमेनिंग डायक्लोरोबीन न डाईक्लोरोबीन हैज सिक्स इलेक्ट्रॉन अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इट इज टू लोन पेयर सी एल सी एल तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशन इलेक्ट्रोफाइल वो जाके रिंग के ऑर्थो पे अटैक करता है इन केस ऑफ फिनॉल फिनोक्साइड फॉर्म क्योंकि आपने बेस लिया है तो ये H+ रिलीज करके फिनोक्साइड में आएगा ऑर्थो पे जाएगा अटैक इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिनोक्साइड अपना लोन पेयर अंदर देगा देन यहां पर एक ऑलरेडी H होता है फिर टू टू एरोमेटिसिटी विल विल बी बॉन्ड बॉन्ड शिफ्ट दिस बैक एच आ जाएगा सी पे अब सी पे माइनस चार्ज क्यों है क्योंकि उसके पास लोन पेयर तो था ही एक एक्स्ट्रा पेयर और आ गया इसके लिए माइनस चार्ज है तो इट विल अट्रैक्ट दिस एच प्लस आयंस टू फॉर्म सी एच सी एल टू एन ओ माइनस फिनोक्साइड विल बी फॉर्म नाउ व्हेन यू डू हाइड्रोलिस बोथ द क्लोरीन विल रिप्लेस बाय विल रिप्लेस बाय ओ एच टू फॉर्म अ डायल और आपको याद होगा जेमिनल डायल इज अनस्टेबल जेमिनल डायोल इज अनस्टेबल स्पॉन्टेनियसली इट विल लूज वन वाटर मॉलिकुलर टू फॉर्म सी एच ओ अल एंड देन फिनोक्साइड टेक एच प्लस बैक टू फॉर्म सेलेसल हाइड ये मैकेजम आपके टेक्स बुक में नहीं दिया है बट समझ लो कैसा हो रहा है रिएक्शन आपको सिर्फ ये रिएक्शन यादना मैकेानिज्म नहीं दिया अगर ये क्लोरोफॉर्म की जगह पर आपने सी सी एल फोर चारो क्लोरिन यूज कर दिया होता ना तो आपको सेलेसल एसिड मिल गया होता सीधा सी ओ एच के बदले सी ओ एच मिल गया क्योंकि यहां पर ट्रायोल बन जाता ना ये क्लोरिन भी ओ OH एच में कन्वर्ट होता एच टू ओ निकलता तो सी ओ एच बन जाता तो याद रखना इफ यू टेक एनी ओ एच क्लोरोफॉम यू गट सेलेट यू टेक एनी एच एन सी सी एल फोर यू गेट सेलेसेसेल एसाइड बट दिस राइमर डायमंड रिएक्शन इज यूज मेनली फॉर द प्रिपेरेशन ऑफ सेलेसेल अल्डीहाइड यह उसका मैकेनिज्म है द नेक्स्ट नेम रिएक्शन द नेक्स्ट नेम रिएक्शन इज कोलबेज रिएक्शन ये कोलबेज इलेक्ट्रॉलिस नहीं है इलेवन का

ऑर्थो पोजिशन पे अटैक करेगा एट दी ऑर्थो पोजिशन एंड इट रिजल्ट इन टू फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्ट दन्वर्ट हो जाएगा सी ओ ओ एन ए सोडियम सॉल्ट ऑफ सेलिस एसिड तो दिस इज कॉल्ड है सोडियम सेलिसाइलेट नैन रिएक्ट विथ एच सी एल सो एन एस एच सी एल तो एन ए सी एल निकल जाएगा यहाँ से तो माइनस एन ए सी एल अपने हाइड्रोलिस कर दिया सो इट रिजल्ट इन टू दमेशन ऑफ ओ एच एंड सी ओ एच सेलिक एसिड तो फर्स्ट स्टेप न्यूट्रलाइजेशन सेकेंड स्टेप अटैक ऑफ सी ओ एट फोर हंड्रेड कैल्विन फोर टू सेवन ए टी एम प्रेशर टू फॉर्म सोडियम सेलेसैलेट और ये जो एच है वो ओ पे चले जाएगा याद रखना दिस एच गोज टू ओ एन ए गोज टू सी देन डेलोड एच से रिएक्ट करोगे हाइड्रोलोस होगा गए एन निकल गया यू गेट एन एसिड दिस सेलेक् एसिड कोल्ड बेज रिएक्शन रैमाटाम रिएक्शन सेलेसल सेलेसैलिक एसिड इज यूज टू प्रिपेयर वेरियस अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मैंने डिटेल में दिया अगर आपने इसका सोडियम सॉल्ट लिया फिनॉल के पास से रिएक्ट विथ एनहाइड्राइड एसिटिक एनहाइड्राइड तो देखो ये एन और ये सी एच थ्री मैं इसको फिनॉल ही ले डायरेक्टली सेलेसेल एसिड ही ले लेता हूँ ओके ओ एच आप एसिडिक एनहाइड्रेट को रियक्ट करो देखो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा ये एच जो है वो ओ पे चले जाएगा टू फॉर्म सी एच थ्री सी ओ एच सी सी एच थ्री रिप्लेस एच एसिडाइलेशन हो गया दिस इज कॉल एस टू वन टू टू एसिटो एसिटो ऑक्सी बेजो एसिड ऑल्सो कॉल एज ए पेन रिलीवर विच यू सी इन मेडिसिन लाइक कॉम्बी फ्लैम क्रोसिन जिसमें रहता है ये अच्छा अगर आप इसको पीओ सी एल थ्री और फिनॉल से ही रिएक्ट करो सेलिस एसिड रिएक्ट विथ फिनॉल तो ये एच और ये ओ एच रिप्लेस होगा सी सी एच फाइव गोस टू दिस ओ एंड इट फॉर्म फिनॉल सेलिस ऑल्सो कॉल्ड एज सेलॉल इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक में काम आता है देन इफ यू टेक अ मीथेनॉल रिएक्ट विथ कॉन्ग एच टू एस ओफोर तो अगेन ये ओ OH एच और एच निकल जाएगा दिस सी एच थ्री फॉलोज द सेम डायरेक्शन गोज टू ओ एंड इट फॉर्म्स मीथाइल सेलिस ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन इट हैज प्लेजेंट स्मेल दे फो यूज इन परफ्यूम्स इन फ्लेवरिंग एजेंट्स इन फूड एंड ड्रिंक्स उसमें यूज होता है ओके okay? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेलेसैलिक एसिड द नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन फिनॉल का ऑक्सीडेशन करोगे यूजिंग के डू सी आर डू सेवन डेरोडिस्ट्री फोर और क्रोमिक एसिडोज ऑटो ऑक्सीडेशन देखो ये जो पार्ट होता है फिनॉल का ये सेकेंडरी एल्कोहल से होता है सेकेंडरी अल्कोहल ऑलवेज ऑक्सीडाइज बराबर देखना है. देखो ये एक कार्बन से अटैच है एक कार्बन से तो बेसिकली ये पार्ट जो है वो सेकेंडरी एल्कोहल का पार्ट है फिनॉल में

तो आपको क्या मिलेगा इसका एनहाइड्राइट फॉर्म ये वाला क्योंकि यहां से देखो एच टू निकल जाएगा तो ये जो ओ है ये सी से अटैच होगा सो गेट एनहाइड्राइड फिनॉल से रिएक्ट करो वन ऑफ द ऑक्सीजन लॉस विद टू पैरा पोजिशन ऑफ ये पैरा पोजिशन पे ना सी दिस पैरा पोजिशन पैरा पोजिशन ऑफ फिनॉल यहां से एच टू लॉस होगा फ्रॉम योर सी एच टू इज लॉस बोथ दिस पैरा अटैच टू द कार्बन एटम पैरा अटैच टू द्वार्बन आइटम एंड दिस इज अट्रक्चर ऑफ फिन ना हाउ वी डिस्टिंग बिटवीन एल्कोहल एंड फिनॉल जिसमें सबसे पहला डिस्टिंग लिटमिस पेपर फिनॉल एसिड है तो ब्लू को रेड करेगा ये न्यूट्रल है तो कोई चेंज नहीं करेगा एफ ई सी एल थ्री अभी देखा था इट फॉर्म्स वायलेट कलर एल्कोहल रिएक्ट नहीं करता ब्रोमिन अभी देखा था रिएक्शन ब्रोमिन बॉर्डर टू फोर सिक्स टाइब रोमोफिन वाइट पीपीडी एल्कोहल नहीं करेगा कपलिक रिएक्शन आ जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनॉल वैन रिएक्ट विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तो फिनॉल के पैरा से एच और एक्स निकल के यू गेट अ येलो ऑरेंज और रेड डाई ये रिएक्शन हम लोग हमाइंस में दिखेंगे बट एल्कोहल नहीं देता देन लबिन्स नाइट्रोसो टेस्ट इसका रिएक्शन आपको नहीं आएगा ज़्यादातर बट यू शुड नो वॉट इज दिस टेस्ट इज ऑल अबाउट इन दिस टेस्ट सी सिक्स एच फाइव ओ एच फिन रियक्ट सोडियम नाइट्राइट याद रखना एनएनोडू सिर्फ इस रिएक्शन के मेन रिएजेंट्स और कलर याद रखो test, के फिनॉल रियक्ट विथ सोडियम नाइट्राइट एंड सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव अ ग्रीन और ब्लू कलर ओके फिनॉल रियक्ट विथ एनोडू एंड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म ग्रीन और ब्लू कलर सोल्यूशन दिस सल्यूशन विल चेंज टू रेड ऑन डायल्यूशन मतलब इसमें वाटर ऐड करूंगी तो रेड हो जाएगा क्लियर है और उसी में अगर आप वापस अल्कली एनएच एच डाल दिए तो वापस से वो ब्लू हो जाएगा तो रेड ऑन डाइल्यूशन और ब्लू इफ मेड अल्कलाइन दिस रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय अल्कोहल दिस इज कॉल्ड एज टेस्ट सो दीज आर द टेस्ट विच इज यूज टू डिस्टिंग एंड अल्कोहल फॉर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेज ऑफ फिनल रिफर माई क्लास नोट्स प्रिंटेड नोट्स जो मैं आपको भेजूंगा वो रिफर कर लेना सो दिस वॉज ऑल अबाउट Phenoms. thank you guys